है एवरी वन, वेलकम बैक टू चैनल एस्टर स्टाइलिस्ट। ओके गाइस, आज हम देखने वाले हैं ओपन एंड इजी हेयर स्टाइल जो बिल्कुल बेसिक सा रहेगा, एक ब्रेड के साथ में जस्ट पीछे हम कर्ल्स देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है आज की हमारी मॉडल। हमने जस्ट यहाँ पे पीछे की तरफ आगे पफ तक के जो हेयर होते हैं हमने सिक्योर कर लिए हैं। हमने जस्ट पीछे पोनी टेल बांध ली लो पॉइंट पे सारे हेयर को लेके, यहाँ तक के हमने हेयर डिवाइड कर लिए हैं। देन फ्रंट से हमने इस टाइप की बैंग रखी है, ये बैकवर्ड सेक्शन है, सेम उधर से भी, इधर भी ये पूरे सेक्शन है, इधर भी ये पूरे सेक्शन है। जस्ट इसमें से हम ऐसे ऐसे डायगोनल करके एक सेक्शन ले लेंगे, जस्ट ऐसे। इसको जस्ट हम कॉम करेंगे सिंपली, जस्ट ऐसे ऐसे जस्ट कॉम करेंगे इस पर, जस्ट हल्का सा ऐसे जस्ट होल्ड स्प्रे कर लेंगे हम, ताकि हमारे फ्रीजी हेड जस्ट कंट्रोल हो जाए ऐसे। जस्ट इसको जस्ट हम ऐसे वन इवन इवन टू एंड थ्री पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, जस्ट ऐसे। आप चाहो तो इनको कॉम भी कर सकते हैं ऐसे इवनली, जस्ट ऐसे। ये आपके तीन सेक्शन हो गए, जस्ट ऐसे। ये बहुत ईजी है ना, अच्छी स्टाइलिंग है आपकी। अब आप जैसे सीधी ब्रेड बनाते हैं, जो आप ऐसे और ऐसे करके बनाते हैं, तो हम इसमें सीधी नहीं बनाएंगे, हम इसको जस्ट उल्टे से बनाएंगे, जिसे हम उल्टी ब्रेड कहते हैं। ये तीन सेक्शन है, ये वाला थर्ड वाला सेक्शन जाएगा, इसे हम वन टू थ्री बोल देते हैं। ये वन है, ये टू है, थ्री है। तो वन वाला जाएगा टू के नीचे, जस्ट थ्री के ऊपर। थोड़ी सी हम लूज लूज रख रहे हैं इसे, जस्ट थ्री के ऊपर यहाँ तक। एंड देन लास्ट से जो थर्ड वाला है, अभी फर्स्ट वाला ये रहा मेरे हाथ में, और जो थर्ड वाला है वो अभी फर्स्ट वाले के नीचे है, तो फर्स्ट वाले के नीचे से आएगा सेकंड वाले के ऊपर, जस्ट ऐसे। और हमने ब्रेड को जस्ट तिरछा कर लिया है, जस्ट ऐसे। अब ये वाला सेक्शन जो इसमें है, ये जस्ट इसके ऊपर आएगा, बट यहाँ पे हमें हेयर को एड ऑन भी करना है। हम जस्ट इसको छोड़ देंगे, यहाँ से हमें हेयर चाहिए। जस्ट आप यहाँ से एक सेक्शन ले लें ऐसे, जस्ट आप रैंडम भी ले रहे हैं अपने हाथ से भी, तो भी इसे क्लीन रखे। इसको जस्ट इसके नीचे लिया इस सेक्शन के साथ में, इसको भी ऊपर कर लिया, और इसको जस्ट हम कॉम कर लेंगे ऐसे, जस्ट कॉम। अब चाहे तो हल्का सा उस पर भी ऐसे जस्ट क्लीनिंग के लिए स्प्रे कर सकते हैं, जस्ट ऐसे ऐसे। एंड देन इसको यहाँ, अब वो दो सेक्शन एक ही हो गए हैं जस्ट, और ये दोनों सेक्शन हमारे एक हो चुके हैं यहाँ पे ऐसे इवनली। इसको आप छोड़ भी सकते हैं, और इसको आप जस्ट ऐसे कॉम कर ले, और ये कहाँ जाएगा, ये जस्ट जाएगा इसके ऊपर ऐसे। अब ये सेक्शन नीचे है, तो हम इसको यहाँ छोड़ देंगे, हम जस्ट ऊपर से भी एक हेयर को ऐसे जस्ट रैंडमली ले लेंगे, आपको जहाँ से भी हेयर को लेना हो, जस्ट ऐसे, जो इस वाले हेयर के साथ यहाँ पे मैच होगा, इस वाले हेयर के साथ में। आप इनको भी ऐसे जस्ट कॉम कर लें ऐसे, जस्ट जितना पॉसिबल हो उतना क्लीन रखें। इसको भी जस्ट आप इसके ऊपर ले लें ऐसे यहाँ पे। अब फिर ये वाला हेयर है यहाँ पे, फिर इसको एक सेक्शन दे आप साइड से ऐसे, जस्ट अनदर सेक्शन। तो इसके साथ में आप ऐसे मर्ज करेंगे, इसको आप चाहें तो कॉम कर लें अगैन सेम इस पॉइंट से भी, जस्ट इसको ऐसे आपने कॉम करा, ये जस्ट फिर इसके ऊपर आ गया ऐसे, जस्ट इस पॉइंट तक पे। एंड नाउ इधर से आप अगेन वन मोर सेक्शन को और ऐड कर लेंगे, जो हमारे अब ये ऊपर आया तो इस वाले हेयर के साथ में जस्ट यहाँ पर आ जाएगा ये। तो इसको जस्ट हम यहाँ पे लीव करके इसको जस्ट हम ऐसे कॉम कर लेंगे, ताकि हमारा कनेक्टेड रहे, जस्ट ऐसे। और ये हमारा आ जाएगा इसके ऐसे ऊपर, जस्ट। अब जहाँ तक चाहें आप ऐसे प्ले कर सकते हैं। नाउ हम वन मोर अनदर सेक्शन ले रहे हैं, एक जस्ट सेम इस साइड से, जो हम इस वाले हेयर के साथ जस्ट ऐसे मर्ज कर लेंगे अपने, जस्ट नीचे से इवनली। अब चाहें तो इसको छोड़ के आप उसको कॉम भी कर सकते हैं जस्ट क्लीनिंग के लिए, जस्ट ऐसे, ताकि क्लीन हो जाए। एंड नाउ वो इसके ऊपर आ जाएगा, जस्ट ऐसे। लास्ट सेक्शन जो हमारे यहाँ पे एंड तक के हेयर हैं, जस्ट हमने यहाँ से अपना एक लास्ट सेक्शन लिया हमारे इस वाले सेक्शन के साथ में, हम जस्ट उसको यहाँ पे मर्ज करा, इसको लीव करा, उसको जस्ट आप ऐसे कॉम कर लेंगे ऊपर कनेक्टिविटी के लिए, जस्ट ऐसे टाइटर
के और जस्ट वो इसके ऊपर ऐसे आपका आ जाएगा, जबकि ब्रेड ऐसे जा रही है जस्ट। अब इसमें आप थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, वो क्या है कि आप इसे हल्का हल्का पुल कर सकते हैं जस्ट ऐसे ऐसे, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ऐसे, यू कैन सी जस्ट ऐसे ऐसे जस्ट ऐसे। आप इनको भी जस्ट हल्का हल्का से स्प्रेड कर सकते हैं, इसको हल्का हल्का से वॉल्यूम दे सकते हैं और इसको आप ऐसे जस्ट स्प्रे कर देंगे थोड़ा थोड़ा। एंड नाउ अब ये अपनी जगह पे ही रहे तो जस्ट इसको ऐसे, इसको यहाँ पे ऐसे पिन कर देंगे। अभी हम यहाँ पे जस्ट ऐसे यूपिन लगा रहे हैं जस्ट, आप अपने मुताबिक इसको उतना ज़्यादा आप स्प्रेड कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। ये आपके ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, ये आपका और क्लाइंट दोनों का टेस्ट हो सकता है। फिलहाल तो अभी अभी हमारा है यहाँ पे टेस्ट, ये जस्ट ऐसे नॉर्मली, ये जस्ट ऐसे। अभी जस्ट हम यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं ताकि हम हेयर को लीव कर सके, पीछे जा सके, ये जस्ट यहाँ पे ऐसे। इनको हम थोड़ा सा और पुल कर लेते हैं जस्ट ऐसे, ये वाला जस्ट यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ तक कि हेयर आपके होल्ड हो गए। अब नाउ इनको अब जस्ट ऐसे नॉर्मल ब्रिड बना लो सेम ऐसे जैसे। अब बस इसमें फर्क इतना है कि इसमें हम कोई हेयर एड ऑन नहीं कर रहे हैं, आपको इन्हें बस क्लीन करके बनाना है जस्ट ऐसे नॉर्मल। लूज लूज बनाएंगे थोड़ा आप, ताकि आपको इन्हें ऐसे स्प्रेड करने में दिक्कत ना हो, जस्ट ऐसे ऐसे बनाते जाएंगे आप, और ऐसे ऐसे इन्हें जस्ट आप हल्का हल्का पुल करते जाएं जस्ट ऐसे ऐसे जस्ट ऐसे ऐसे, और इन्हें आप हल्का हल्का स्प्रे कर लें ऐसे जस्ट ऐसे। एंड पॉइंट तक तो आप चाहे बना सकते हैं, इसको जस्ट आपको पीछे ऐसे ले जाना है यहाँ पे, सेम उस साइड से भी हम लेकर आएंगे जस्ट ऐसे। जस्ट ऐसे इनको आप चाहो तो हल्का हल्का पुल कर लो ऐसे इनको भी जस्ट ऐसे, और इनको पे स्प्रे कर लो, और इसको आप यहाँ पे जस्ट ऐसे रबर बैंड लगा लो। आप चाहो तो यहाँ पे बैक कॉम भी कर सकते हो, हम यहाँ पे रबर बैंड लगा रहे हैं ताकि हमारी क्लाइंट को खोलने में से इजी रहे। हमने जस्ट यहाँ पे ऐसे रबर बैंड इस पर लगा लिए। नाउ इसको भी जस्ट आप चाहे तो जस्ट ऐसे आ सकते हैं इस पॉइंट तक पे ऐसे लेके इस शेप से, और इसको आप जस्ट इधर की तरफ ऐसे रोल कर सकते हैं, आपका उधर से भी सेक्शन आ जाएगा तो वो भी जस्ट इसमें ऐसे आपका रोल हो जाएगा। जस्ट इसको आप ऐसे रोल कर लें, बट इसको आपको यहाँ पे कनेक्ट रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ भी सेम जैसे हम ऊपर लगा रहे थे, फिलहाल रोकने के लिए आप जस्ट ऐसे यू पिन की सब मदद लेंगे जस्ट, ताकि वो आपको वहाँ पे होल्ड हो जाए, ताकि आप उन्हें यहाँ पे जस्ट रोल कर सकें ऐसे। यहाँ तो आप उन्हें जस्ट ऐसे नीचे की तरफ अंदर इनसाइड कर सकते हैं, जस्ट आप उसे ऐसे रोल कर लेंगे जस्ट ऐसे रोल। इस वाले पॉइंट पे भी आप जस्ट ऐसे एक यू पिन लगा देंगे और इसे जस्ट आप ऐसे पीछे पीछे रोल कर लेंगे, एंड देन इसको आप जस्ट ऐसे लॉक कर लेंगे। सेम उस साइड से भी हम कर लेते हैं एंड देन आपको शो करते हैं। सो ओके गाइस, हमने सेम तरीके से दूसरी तरफ भी हमने ब्रेड बना लिया है, पीछे एंड पॉइंट तक ले गए हैं ऐसे हम जहाँ तक उसे जाना था। नाउ हमारे इधर रेस्ट ऑफ सेक्शंस रह रहे हैं, इनको हम जस्ट कर्ल्स कर लेंगे, और कर्ल्स जो आप करेंगे जिनको आप जस्ट ऐसे फुलर लुक हम इधर देंगे, उसके लिए हम यहाँ पे 38 mm की टोंग का यूज़ कर रहे हैं। हम जस्ट इसे आउटवर्ड बना रहे हैं जस्ट आउटवर्ड, हम पूरी इसमें लेंथ यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ी सी लेंथ यूज़ करेंगे नीचे की बस, ज़्यादा नहीं, ताकि थोड़ा सा वो स्ट्रेटन दिखे जस्ट ऐसे। एंड जस्ट ओपन करके आप ऐसे इसमें जस्ट ऐसे क्लिप लगा देंगे, सिर्फ थोड़ी सी होल्डिंग के लिए, हमें केवल डायरेक्शन चाहिए। नाउ सेम इस वाले सेक्शन को भी हम जस्ट ऐसे ही करेंगे, सेम इसको भी हमने जस्ट ऐसे करा कॉम यहाँ की तरफ जस्ट, इसको भी हम ऐसे आउटवर्ड कर्ल्स कर रहे हैं जस्ट ऐसे
इसको हम ऐसे ओपन कर लेंगे। जस्ट इसमें भी होल्डिंग के लिए हमें क्लिप लगा देंगे। जस्ट इसको भी हम ऐसे डायरेक्शन दे रहे हैं, जस्ट इसको भी हम ऐसे कर्व्स कर लेंगे सेम इसी पॉइंट पे। जस्ट ऐसे, जस्ट इसको भी हम ऐसे होल्ड कर लेंगे यहाँ पे। जस्ट ऐसे उधर के भी कल्स हम सेम ऐसे ही करेंगे। बैक पॉइंट पर हमको कल दिखा रहे, बैक पॉइंट पर भी इसमें कैसे कल्स कर सकते हैं। जस्ट आपको बैक से एवरेज इन वन, एक से डेढ़ फिंगर का सेक्शन लेना है, ज़्यादा मोटा मतलब पतला। रेस्ट ऑफ सेक्शन को आप ऊपर जस्ट ऐसे होल्ड कर ले, या अपने असिस्टेंट को भी आप दे सकते हैं। इसको हम जस्ट ऐसे टू पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, जस्ट ऐसे इवन इवन। नाउ इसको हम आउटवर्ड कर्ल कर लेंगे, इस वाले हेयर को इधर, जस्ट इसको ऐसे, इसकी लेंथ को मेंटेन करते हुए जस्ट ऐसे। थोड़ा सा हीट अप देंगे यार सिर्फ डायरेक्शन के लिए। नाउ जिस साइड सेक्शन गया था उसी साइड से ओपन कर लेंगे हम, जस्ट इसको ऐसे फोल्ड करके जस्ट इसमें डायरेक्शन के लिए हम क्लिप लगा देंगे। नाउ इस साइड आए हम, इस साइड हम ऐसे लेते सेक्शन, क्लैंप डाउन सेक्शन फ्रंट की तरफ, जस्ट ऐसे जैसे हमने आपको पहले बता रखा है, जस्ट ऐसे लेंथ को मेंटेन रखेंगे आप, जस्ट ऐसे। तो ऐसी हेल्प में हम एक से डेढ़ फिंगर के सेक्शन लेके इनको जस्ट ऐसे होल्ड कर लेंगे, उधर के भी हम ऐसे कर्व्स बना लेंगे, देन ओपन करते हुए फिर हम उसे आगे मिलते हैं। सो ओके गाइस, हमने पूरे पॉइंट पे जो है वो एक कर्व्स यहाँ पे कर लिए हैं, बैक पॉइंट पे भी यू कैन सी। नाउ अब इन्हें ओपन कर लेते हैं हम जस्ट ऐसे। अब जस्ट इसे ऐसे ओपन करेंगे जस्ट नॉर्मली, जस्ट ऐसे। इसको भी जस्ट आप ऐसे ओपन करेंगे जस्ट नॉर्मली, जस्ट ऐसे। इसको भी जस्ट हम ओपन करेंगे जस्ट नॉर्मली ऐसे। अब जस्ट यहाँ पे ऐसे जी कॉम का भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट इसको आप ऐसे कॉम कर देंगे जस्ट तीनों को, जस्ट इनमें ऐसी ऐसी हल्की यहाँ पे डायरेक्शन आ जाएगी इस ओपन वे में। यू कैन सी हमने जहाँ जहाँ से हेयर लिए थे हम उन्हें ऐसे जस्ट अलग अलग कर लेंगे। हमने उन्हें जी कॉम कर दिया है, हम जस्ट उन्हें यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे फुलर लुक दे देंगे जस्ट ऐसे। आप क्लाइंट से पहले पूछ ले कि उसे प्लेन लुक चाहिए कि फुलर चाहिए। आप ऐसे तभी पुल करें जब क्लाइंट की ऐसे ऑन डिमांड हो कि हाँ उसे ऐसे कर्ल्स चाहिए। ये वाले कर्ल्स जो होते हैं वो थोड़े से आपके और ज़्यादा लॉन्ग लास्ट चल जाते हैं कंपेयर आपके प्लेन कर्ल्स के। जस्ट ऐसे कैसा लग रही है, जस्ट इसको भी जस्ट ऐसे फुलर, ज़्यादा नहीं हल्का हल्का था बस, जस्ट एक डायरेक्शन देते हुए जस्ट ऐसे सेम पॉइंट से। आप चाहें तो इनको स्ट्रेटन भी रख सकते हैं इन वाले हेयर को जिनको हम कर्ल्स कर रहे हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। कॉम नहीं करनी है आपको, ऐसे केवल जी कॉम करना है, टेल कॉम से कॉम नहीं करना, केवल जी कॉम करना है जस्ट ऐसे। जस्ट इसको भी यहाँ पे जस्ट ऐसे पुल डायरेक्शन, जस्ट ऐसे, जस्ट इस पॉइंट पे जस्ट। एक हम आपको पीछे से दिखा देते हैं, पीछे से आपको जस्ट कैसे ओपन करना है आपको इसे। जस्ट आपको आपके सबसे नीचे वाले दोनों हेयर लेने हैं, उनको जस्ट ऐसे आपको अनक्लिप करना है जस्ट ऐसे। नाउ दोनों को ही आपको कॉम कर देना है जस्ट ऐसे, वो लूज हो जाएंगे। जी कॉम के बाद आप जस्ट ऐसे लूज कर लेंगे, ये इधर की तरफ देख रहे हैं इधर की तरफ। जस्ट इसको आप ऐसे जस्ट हल्की सी डायरेक्शन देंगे जस्ट स्प्रे, जस्ट हमें कोई ज़्यादा इसमें हार्ड स्प्रे नहीं चाहिए, केवल बस जस्ट ऐसे डायरेक्शन ऐसे। नाउ सेम इस साइड से भी, ये इधर की तरफ है, इसको जस्ट ऐसे पुल जस्ट ऐसे, इसको जस्ट इधर की तरफ ऐसे और जस्ट ऐसे, ये दोनों एक दूसरे को जस्ट ऐसे आमने सामने की तरफ जस्ट देख रहे होंगे
जस्ट ऐसे सेम हम ऊपर के सारे कर्व्स खोल के ऐसे ही कर रहे हैं, जस्ट अनदर उस साइड के भी। तो ओके गाइस, हमने जो है फ्रंट पॉइंट, बैक पॉइंट और उस साइड पे हमने सेम ऐसे ही कर्व्स कर लिए जैसे हमने आपको इस साइड बताया था, और एक पॉइंट बैक पॉइंट पे। अभी हम इनमें फाइन पिक्स लगा लेंगे। हमने आपको बोला था कि आप इन हेयर को छोड़ दें दोनों साइड से, जो हमारी बैंग के लिए काम करेंगी। नाउ हम चेक कर लेते हैं दोनों साइड से बना के, जैसे हम लीव कर लेते हैं। इससे आप किसी भी टाइम इसकी बैंग दे सकते हैं, ये आपके उस टाइप का सूटेबल हेयर है। आप चाहे तो जस्ट इनको ऐसे लेके, जस्ट इसको यहाँ ऐसे प्ले करके दोनों साइड से, जस्ट इसको आप यहीं कर्ल्स कर लेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं पसंद है तो आप जस्ट ऐसे लेके इसको जस्ट यहाँ ऐसे वॉल्यूम देते हुए जस्ट ऐसे ऊपर की तरफ स्प्रे के साथ आप दोनों साइड से ऐसे बैंग दे लेंगे। आप अपनी क्लाइंट पे चाहें तो इसे कट भी कर सकते हैं जिस पॉइंट से आपको ये चाहिए, या पूरे हेयर के साथ भी प्ले कर सकते हैं। तो हम आपको दिखा देते हैं इसे प्ले करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ओके गाइस, हम अपने फ्रंट को कुछ इस तरीके से प्ले करेंगे। इसको हम ऐसे आगे की तरफ स्प्रेड करेंगे, देन उसको उस पार्ट को टर्न करना हम चाहते हैं। तो उसके टर्निंग पॉइंट के लिए हम यहाँ तक तो जस्ट इसको प्ले करेंगे, तो हम यहाँ से जस्ट इसको अभी कर्ल्स कर लेंगे। तो हमें कर्ल्स भी जस्ट इसे ऐसे 38 mm से करना है। जस्ट जहाँ तक आपको स्प्रेड करना है वहाँ तक आप इसे कर्ल्स नहीं करेंगे, जहाँ तक इसे स्प्रेड करेंगे वहाँ से आप इसे कर्ल्स नहीं करेंगे। हम जस्ट ऐसे और जस्ट डायरेक्शन देके छोड़ देना है, होल्ड नहीं करना है आपको इसे। जस्ट सेम इस साइड से भी हम जस्ट ऐसे प्ले करेंगे यहाँ तक, सेम ऐसे आएंगे आप ऐसे उस पॉइंट तक जैसे तक कर्ल्स करेंगे और जस्ट ऐसे नॉर्मली आप इसे यहाँ पे छोड़ देंगे। कर्ल्स करने के बाद में जस्ट हमने तो भी छोड़ रखा है, सबसे पहले आप यहाँ पे आके जस्ट इन्हें पैसे लॉक कर लेंगे बाय यूजिंग योर फेवरेट फाइन इनविजिबल पिन। जस्ट ये ऐसे जहाँ जहाँ ये लगी हुई है यू पिन, उनको जस्ट हटा के आप इनको लगा लें ऐसे। तो जस्ट हम इसको लेके यहाँ आएंगे, अटैच करेंगे इसको, जस्ट फॉल देंगे जितना इसको सूट करेगा, देन यहाँ हम स्प्रे कर लेंगे इस पॉइंट पे। ये थिन हो जाए सेक्शन चलेगा, कोई नहीं, जस्ट ऐसे हम इसको, एंड देन इसके बाद रेस्ट ऑफ चीज़ को हम यहाँ पे कट नहीं करेंगे, हम जस्ट इसको ऐसे यहाँ पे कर्ल्स कर लेंगे दोनों ही साइड से। तो हम उधर का भी सेम ऐसे कर रहे हैं, जस्ट ऐसे बैंक्स रखेंगे हम, देन उनको कर्ल्स करके इसका फाइनल आउटकम आपको शो कर। सो ओके गाइस, हमने दोनों साइड ब्रेड बना लिए है, हमने दोनों अपने बैंक्स को सेट कर लिया है, एंड देन हमने आउटर पॉइंट पे नीचे जस्ट लाइट कर्ल्स हमने कर लिया 38 mm की टोंग से, एंड देन स्प्रे कर लिया। कुछ टोटल आउटकम जो है आपको इस टाइप का आएगा। आप चाहे तो इन्हें स्ट्रेटन भी रख सकते हैं जिनको हमने कर्ल्स करा है, आप चाहे तो इन्हें हॉलीवुड वेव्स भी बना सकते हैं। आप अपने क्लाइंट को यहाँ से बैंक्स कट करके जस्ट फॉल कर सकते हैं। हमारे हेयर लंबे थे इसलिए जस्ट हमने यहाँ बैंक को होल्ड करके देन पीछे हमने बैक पॉइंट पे कर्ल्स कर लिए हैं। इस साइड आप कोई हेयर एसेसरीज भी लगा सकते हैं, लाइक कैंडल, ब्रोच टाइप ऑफ कैंडल एसेसरीज आप इधर लगा सकते हैं, देन इसको आप कवर कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इजी एंड ओपन हेयर स्टाइल है, इसे आप कमर्शियल में बहुत जल्दी यूज़ कर सकते हैं, पार्टी वेयर में फटाफट से बन जाती है, एवरेजन 10 या 15 मिनट में भी आप इस हेयर स्टाइल को बना सकते हैं। सो ओके गाइस, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो।